एंड इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने जा रहे हैं अब ये जो मेरी प्रोग्राम्स की नोटबुक है इसमें से मेरे टू प्रोग्राम्स आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में सो so मैंने सोचा इस बार आपको मैं आपको ये जस्ट आइडिया दे दूँ कि टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स कैसे आ सकते हैं सो फर्स्ट जस्ट टू स्टोर द लाइक वो बोल देंगे आपको इतने नेम स्टोर करो फर्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरिंग द फॉलोइंग डेटा इन अ वन डी आर ए इसमें आपको डेटा दे दिया जाएगा एंड आपको काउंट करना पड़ेंगे कि कितने नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं एंड जीरो हैं सो इसका प्रोग्राम कुछ ऐसे करा जाएगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टोर एंड इंटीजियर्स इन अ वन डी आर एक्सचेंज द करस्पॉन्डिंग सेल वैल्यूज प्रिंट द मॉडिफाइड आर ए बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ होती है हमें ये इंसर्ट करना पड़ता है लाइक like, अगर टी एक्स के इक्वल है एक्स वाई के इक्वल है तो y भी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमारा x जो था वो के इक्वल था तो इसका आंसर तो कुछ ऐसा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोर द फॉलोइंग डेटा इन अ वन डी आर ए आपको डेटा दे रखा है इसमें आज फॉर अ नंबर एंड सर्च इट यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक तो ये यहाँ तक हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है वो आ जाए देर आर फाइव सेलम सेल्स मैन इन अ कंपनी इट्स सेलिंग सम सेम अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स सो ट्वेंटी फाइव शैम्पू सिक्सटी फाइव हेयर ऑयल फिफ्टी फाइव टूथपेस्ट एटी फाइव कॉम्ब ट्वेंटी राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द टोटल सेल डन बाई ईच सेल्स मैन ऐट द एंड प्रिंट द टोटल ग्रांड ग्रांड टोटल ऑफ ऑल द सेल्स मैन ये छोटा सा प्रोग्राम है इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इंसर्ट ही करना है बस एंड लास्ट में हमारा आता है देखो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं स्टोर एंड इंटीजर्स इन अ वन डी या फाइंड एंड प्रिंट द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट अलोंग विद दर इंडेक्स सो इसका आंसर कुछ इसका जो प्रोग्राम है ऐसा होगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट देखना एक मिनट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट ये इसी प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन है अब नेक्स्ट आ जाएगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इट आपको वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल Um, आपने इनपुट करा है आई एम अ गुड बॉय सो इसमें ये सब आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आता है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड इन अपर केस ओनली एंड चेक वेदर इट इज़ अ palindrome और नॉट पैरेंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जो जिनका ऑपोजिट कर दो यानी कि जैसे मॉम मॉम को ऑपोजिट कर दो एम ओ एम ही आ रहा है तो मतलब रिवर्स कर दो एक तरीके से वो सेम वर्डिंग्स बन रही है सो दिस इज़ कॉल्ड अ पैरेंटो नंबर सो ये हो गया हमारा अब देखो वैप टू इनपुट वन स्ट्रिंग रिप्लेस एनी वर्ड बाय एनी अदर वर्ड ये हो गया इसका नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर फाइव इंटीजर्स इन अ वन डी आर ए प्रिंट दी आर ए रिवर्स ऑर्डर तो इसका तो ऐसे होगा इसे मैंने और लिख रखा यानी कि इसके इंस्टेड uh, आप ये भी यूज़ कर सकते हो ये ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाता है आप हमारे प्रोग्राम को जब आउटपुट निकलेगा आपको तब पर चलेगा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आप ट्राई कर सकते हैं यू हैव टू स्टोर एन इंटीजर्स इन वन डी आ शिफ्ट ऑल दी जीरोज डाउन एंड नॉन जीरो अप विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ non-zeros do not use second array print the modified array iska answer yeah and coming to the next question um, ha. write a program to input any string and count the total uppercase characters lowercase characters total digits total special uh, characters and vowels तो आपको इसमें याद रखना होगा कि आपको क्यार वाला इसमें यूज़ करना है और हमारा जैसे इसमें कैपिटल ए होता है सिक्सटी फाइव जेड होता है हमारा नाइन्टी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और तो उसके बाद आता है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू तो इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट अपर केस कैरेक्टर्स टू तो लोअर केस कैरेक्टर्स एंड वाइसावर्सा देखो जैसे मैंने इसमें दे रखा है स्मॉल ए स्टैंड फॉर नाइनटी सेवन जेड वन ट्वेंटी टू कैपिटल ए सिक्सटी फाइव कैपिटल जेड नाइन्टी ज़ीरो फोर्टी एट और जो ये होता है ना स्पेस बार होता है इसको थर्टी टू कहते हैं एंड ये नाइन ये जो नाइन है फिफ्टी सेवन रिप्रजेंट करता है नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है वैप टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस ओनली एंड एन कन्वर्टेड इनटू पिग पिगलेटिन फॉर्म इसमें क्या होता है इसे ट्रबल है तो हम इसका पहला देखो ट्रबल वर्ड में सबसे पहला वॉबल कहाँ है ओ है तो ओ यू बी एल ई लिख दोगे आप तब टी आर लिखोगे जैसे देखो मैं एग्जाम्पल तो देती हूँ टी आर वॉबल है नहीं ओ व है तो ओ उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो कॉपी कर देना यहाँ पर उसके बाद जो हमने छोड़ दिए थे लेफ़्ट आउट वर्ड्स हो गए थे रह गए थे तो वो यहाँ पर लिख देना आप टी आर और लास्ट में ए वाई ऐड कर देना तो ये होते हैं हमारे पिगलेटिन फॉर्म वर्ड्स वैसे ये प्रोग्राम में आपको ऑलरेडी बता देते हैं कि ये पिगलेटिन फॉर्म क्या होता है पैरेंड्रोम क्या होता है बस मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही थी एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इज टू इनपुट एनी सेंटेंस एंड अ वर्ड सेपरेटली फाइन एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वर्ड इन द सेंटेंस एंड इसका आंसर ये हो जाएगा तो ये थे हमारे प्रोग्राम्स नाव वी कम टू आउटपुट क्वेश्चन अब मैंने देखा कि बहुत सारे जो होते हैं ना स्टूडेंट्स तो वो फंक्शंस में कन्फ्यूज़ जाते हैं जो उनके आउटपुट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डेप्थ में पढ़ा ही नहीं रहता है और वो कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझते हैं राइट right, तो सबसे पहले हम ये करेंगे देखो ये सिस्टमेटिक नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं आप इसको रीड कर सकते हैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी बट आई डोंट थिंक सो मुझे टाइम मिलने वाला है भी इतना बिकॉज मेरे भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं सो देखो ये पेज अब ढंग से पढ़ लो आपको मैं आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ऐसा करो देखो ये है लेंथ नाउ वी हैव कैराट अगर आप इसको रीड करोगे आपको सारे फंक्शन समझ में आ जाएंगे आपको गारंटी देती हूँ इससे मैंने बहुत अच्छी राइटिंग में भी में भी लिख रखा है ऑफकोर्स एंड ये बी इसी का पार्ट है तब तो थर्ड वाला फंक्शन हमारा सब स्ट्रिंग है देन वी हैव इक्वल्स एंड वी हैव इक्वल्स इग्नोर केस कंपेयर टू वैसे ये जो ये आपको नोट्स दिख रहे हैं ना ये मैंने ई बुक बनाई थी कंप्यूटर की बट बिकॉज आई दैट आई वुड नॉट गेट टाइम सो आई डिसाइडेड टू शो यू दिस ई बुक एंड हाँ ये है कंपेयर टू इग्नोर केस दिस इज इंडेक्स ऑफ ओवरलोडेड प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स ऑफ भी पढ़ लेना तो हमारा आता है लास्ट इंडेक्स ऑफ वी हैव रीप्लेस ओवरलोडिंग प्रॉपर्टी ऑफ रीप्लेस एंड लास्ट में आता है हमारा स्टार्ट विद एंड विद एंड ट्रिम अब देखो मैंने आपको प्री बोर्ड बोर्ड जितने भी क्वेश्चन में मतलब ढूंढ अपने पेपर ढूंढ सकती थी तो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे ये आपको इसमें मैंने एम सी क्यूज दिखा रखे हैं एंड uh, आप सॉल्व कर सकते हैं आउटपुट क्वेश्चंस भी है इस एम सी क्यू में एंड थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहा है एंड इसको आप बस देख लो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सूटेबल फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग एरा टाइप टू इंडा टाइप उसका होगा पार्सेंट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड बाई इक्वल्स टू कैरेक्टर वॉट इज वाइट स्पेस और इसमें इन्होंने बैक स्लैश टी दे रखा है ट्रू आप देख इसको देख लो आंसर ही मैंने टिक कर रखे हैं पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई आउट दिस टू प्रोग्राम्स एज वेल और अगर आपका ये सॉल्व हो गया है यू कैन कॉमेंट डाउन एंड टेल मी ये वापस से हमारे करेक्ट ऑप्शन चूज़ एम सी क्यूज एंड इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर ये क्वेश्चन एक मार्क्स का तो हमेशा आता ही है देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भी इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे एंड आउटपुट वाले क्वेश्चन भी है जैसे ये ये सॉल्व करके चले जाना दिस एंड वी हैव दिस एज वेल तो so, मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बता दिए हैं आउटपुट क्वेश्चन के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और बाकी जो आपका थ्योरी क्वेश्चंस बचते हैं वो थोड़ी बहुत आप खुद कर सकते हो और वैसे भी एम सी में थोड़े बहुत कवर हो गए हैं सो वैसे मैं वीडियो पोस्ट नहीं करने जा रही थी कंप्यूटर्स के लिए बट देन आई थॉट दैट आई शुड सारे सब्जेक्ट्स अभी तक मैंने कवर करे हैं टेंथ के लिए तो so, मैंने सोचा कंप्यूटर भी कर लेती हूँ बाकी मैं हिंदी में भी लाइव आ रही हूँ एंड बायो में भी लाइव आऊँगी सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल मैंने जान के वीडियो शॉर्ट इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारा टाइम टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरी तर, मेरी तरफ से एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर एग्जामिनेशन एंड या बाय